जी, मैं पैदाशी फरेबी हूँ और मेरा पार्ट टाइम फरेब करना है और मुझे बहुत मज़ा आता है। आज हम लोग स्टूडियो में इकट्ठा हैं, क्या कुछ चल रहा है जरा मेरे दर्शकों को बताएं। आज मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन स्वरूप आनंद बिहारी सर, बड़े भाई मेरे, आज उनका गाना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। गाने का नाम है, गाने का नाम तो खैर वही बताएंगे, वो नहीं बताऊँगा। ये सानिया है, इसने गाना गाया है। सानिया मिल जाए? नहीं, सानिया है ये। और ये प्रीतम है, प्रीतम मेल पार्ट प्रीतम का है, फीमेल पार्ट सानिया का है। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं माधव सिंह राजपूत जी, इनका संगीत है, लिखा मैंने है, पिक्चराइज मेरे ऊपर होना है। और मेरे अपोजिट कौन है वो भी भैया को पता है, प्रोड्यूसर भी यही है, बाकी बात ये खुद बताएंगे। आनंद जी, बहुत बधाई हो फिल्म इंडस्ट्री से वापस अपने कम बैक किया है, क्या कुछ चल रही है गाने को लेकर? कम बैक किया है? कब बाहर गए थे? गाना तो बहुत प्यारा है एक्चुअली। जब प्रणव जी ने गाना मुझे बताया तो बहुत दिनों से मैं बॉम्बे में आता था, तो लड़कियों का मेकअप देख के मुझे बड़ी ये उत्सुकता होती थी कि मतलब ये इतना क्यूट क्यों लग रही हैं, इतना क्यूट, इतनी अच्छी, इतनी स्मार्ट क्यों बन के घूम रही हैं। नहीं, दिक्कत नहीं थी। तो बाद में मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मुझे लगा कि ये लड़कों का दिल जो है जीतने के लिए कर रही हैं, लेकिन लड़कों का दिल जो है जीत नहीं पा रही हैं। लड़कों का दिल इतने इतने ज़्यादा जगहों पर मतलब यूज हो जा रहा है कि दिल फरेबी हो जा रहा है। तो ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, तब तक इन्होंने वो लाइन सुनाई दी और मुझे गाना पसंद आ गया और इसको मैंने डन कर दिया। और इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, इनकी भी आवाज़ बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे देखते हैं फिर पब्लिक को कितना पसंद आता है। तो मैम, आपके ऊपर क्यूटनेस कम गा रहे हैं, नाम सानिया है। सानिया उनियाल। सानिया उनियाल कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, तीनों मिक्सचर। तो कैसा लगा आपको गा के? बहुत अच्छा गाना है। इसमें लड़के और लड़की के बीच इक्वेशन दिखाया है कि कैसे वो उसकी क्यूटनेस पे मरता है वगैरह वगैरह। आगे आप गाने में देख लें। लिरिक्स राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से दर्शकों के गाने के लिए? बहुत ज्यादा देखना, लाइक वगैरह करना। थैंक यू। तो उसके बाद फाउंडेशन वगैरह लगा लेना। सर, आप इस फिल्म का, इस वीडियो फिल्म का गाना के आप जी दे रहे हैं जी, कैसे कैसा लगा आपको प्रणव जी का? अरे बेहतरीन कहने वाली बात है ये, तो जो जब लिखते हैं तो मज़ा आ जाता है और उसी पे मैंने म्यूजिक देने का कोशिश किया है और उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा। क्यूटनेस के ऊपर आपका कुछ गाना? क्यूटनेस आदमी को अच्छा अच्छा जो है ना, अच्छे शरीफ आदमी में बिगाड़ देता है, तो यही कहा गया है क्यूटनेस कम कर ले। ये गाना बनाते वक्त आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई? अरे याद आई, मैं तो पागल हो गया था गाना सुन के। अरे एक्चुअली मैं, मेरे लिए लाइफ में म्यूजिक ही है जो गर्लफ्रेंड और एक्स वाई जेड सब वही है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, बात बाकी तो इंसान हूँ, इंसान से प्यार करिए। हाँ, मतलब इंसान से भी प्यार है लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट म्यूजिक है, उसके बाद फिर अपना। सर, आपने फिल्म के लिए गाना गाया है, कैसा लगा बताएंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा सर लोगों के साथ काम करके। बाकी तो गाना रिलीज होगा उसके बाद सारे दर्शकों को, ऑडियंस को पता चलेगा। बहुत ही अच्छा गाना है और दिल को जीत लेने वाला काम है। क्यूटनेस के ऊपर सॉन्ग्स है, कैसा लगा, कुछ कहेंगे आप लड़कियों के लिए कुछ कमेंट? लड़कियां तो सारी क्यूट ही होती हैं, उनके लिए ही है। मतलब आपको कैसे अच्छे लगते हैं, मेकअप के बाद लगते हैं कि मेकअप पहले अच्छे लगती है? नहीं, वो तो हमेशा क्यूट लगती है, हमेशा लगती है, दोनों दोनों तरफ। मेकअप करने के बाद ज्यादा लगती हैं। अच्छा। जैसा सर हमारे बोल रहे थे अभी। अच्छा। जी सर, आप मेकअप लगाते हैं? यार क्यों राज की बात पूछते हो? लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि प्रणव के अंदर जो काबिलियत है वो है, नो डाउट। और अभी इनका एक गाना रिलीज हुआ है धुआं धुआं, और काफ़ी मतलब लोग उसको कर रहे हैं। मैं आज सुबह वो मोबाइल ऐसे ट्रोल कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने देखा कि प्रणव के गाने पे कई लोगों ने रील बना के उसको यूज कर रहे हैं। तो जब गानों का रील बनने लगता है तो वो कलाकार नो डाउट आंख बंद करके रातों रात आगे जाता है। और इस गाने के बाद से तो ये कहाँ जाएंगे इनको खुद भी नहीं पता है, क्योंकि ये गाना ऐसा गाना है कि बिना रील बनाए, इस गाने की जो लाइन है उस पर बिना रील बनाए लड़कियां और लड़के रह ही नहीं सकते हैं।
ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपके प्रोडक्शन से इस गाने को निर्माण किया जा रहा है, कब तक इसको रिलीज किया जा सकता है शूटिंग मूवी? मैंने टाइम तो दिया इनको 25 तारीख तक का, बाकी अब प्रोडक्शन में और चीज़ों में कई चीज़ें होती हैं लेट सवेर, तो कब तक होता है ये तो मुझे नहीं पता, ये आप लोगों के ऊपर है। बाकी मेरा टाइम पीरियड 25 जुलाई तक का है। इसके बाद कुछ प्लानिंग है फिल्म या गाने का और प्लानिंग है? हाँ, अपने अगस्त या सितंबर में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है जो छठ मैया पे है। और कुछ इस बार बॉलीवुड के लिए कुछ स्पेशल? बॉलीवुड के लिए स्पेशल क्या कहें, बॉलीवुड इस गाने को सुन के वो हमारे लिए स्पेशल बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने भैया वो पूछना चाह रहे हैं कि जैसे प्रणव के साथ अभी आप ये गाना कर रहे हैं और नो डाउट ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है, ये गाना पिछला गाना अच्छा ही चला प्रणव का, तो ये प्रणव का आशीर्वाद यहीं रुक जाएगा कि इसके बाद भी आप प्रणव के साथ काम करेंगे, आपका ये सवाल था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रणव जो है मुझे नहीं पता था कि ये एक्टिंग के साथ साथ जो है न्यूज़ रिपोर्टर का भी काम करते हैं। तो कोई नहीं, नहीं देखो कोई चीज़ रुकता नहीं है, अगर कोई चीज़ हिट होता है तो वो चलता रहता है, और नहीं भी हिट होता है तब भी चलाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक दो चीज़ बनाते हैं गलती से नहीं चला तो उनका मन उदास हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप डेली खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, तो रोज़ एक ही चीज़ तो नहीं खाते हो ना, तो कभी कभी महीने में एक दो बार ऐसा होता है कि आपको वो नाश्ता और खाना बहुत अच्छा लगता है, आप एक रोटी ज़्यादा खा लेते हो, तो उसी तरह गाना है, दो चार पाँच दस पंद्रह गाना बनेगा उस पर दो चार हिट जाएगा, और कुछ नहीं भी जाता तो इसका मतलब आप काम करना नहीं रोक सकते हो ना, काम तो आप करते ही रहोगे, तो जिस दिन उन गानों में से कोई भी गाना हिट गया आपकी लाइन ऑलरेडी क्लियर रहेगी। जैसे तो एक शायरी हो जाए और टाइटल भी नहीं बताया अभी गाने का। देख गाने का टाइटल तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। क्या शायरी चाहिए तुमको? इस गाने के आगे शायरी सारी, मतलब इस गाने के आगे जितनी शायरी है सब फेल है।